रिगार्डिंग स्कूल के लिए, स्कूल हमारे पास है नहीं सबसे पहली बात। तो तीन रूम जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हो, तीन रूम यहाँ पे है, तो उनमें 11 क्लासेस अभी पढ़ रहे हैं अंदर। तो तीन रूमों में क्या है कि एक रूम ऑफिस के लिए दिया है, तो MDM की अगर बात करें जो मिड डे मील अभी मिल रहा है उसके लिए यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। तो अगर हम सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसकी अगर हम बात करें तो बच्चे बैठेंगे कहाँ पे, आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे जगह है नहीं बैठने के लिए, प्रेयर के लिए, मॉर्निंग असेंबली के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं है। तो 11 क्लासेस दो कमरों में मुश्तमिल है, ठीक है सर। तो अभी हम गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश कर रहे हैं कि 15 साल से हम बैठ भी दे रहे हैं पूरे गाँव, जितना भी गाँव हम DC साहब के पास जा रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर जो भी यहाँ पे मिनिस्टर्स आए हैं उनको हमने एप्लीकेशन दे दिए कि बराए मेहरबानी आप इस चीज़ पे तवज्जो दीजिए कि जो बच्चे हैं जो आगे फ्यूचर हैं, फ्यूचर हिंदुस्तान के फ्यूचर अगर हम कहें तो वो तो है, नज़र कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल के बाद ये जो पेरेंट्स से बच्चों का यहाँ से निकाल के वो तो उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे जिस चीज़ में आज कंट्रोल हो रहा है ड्रग के लिए, ये तो सारे इन्वॉल्व ड्रग में हो जाएंगे। तो और एक बात, NHPC किशनगंगा पावर स्टेशन जो यहाँ पे 330 MW पे मुश्तमिल है उसकी अगर हम बात करें, उन्होंने पहले सपने दिखाए क्योंकि तब हम थोड़ा म्यूचुअल हुए थे जब हम सुन रहे थे अपने बोलो कि NHPC ने बोला कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे ऐसा फ्यूचर नज़र आएगा, बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे वो देंगे, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे NHPC है नहीं यहाँ पे, जैसे वो आए थे कुछ टाइम के लिए 1-2 साल के लिए फिर यहाँ से चले गए। तो अभी हम इस चीज़ के शर्मिंदा है कि वो हमारा पड़ोसी है, हम उनके पड़ोसी हैं एक जगह, क्योंकि हमारे अगर हम कहें कि हमारे दिल में बसे है वो, हमारे दिल से पानी निकल के नीचे जा रहा है। तो बच्चों के लिए तवज्जो बिल्कुल ज़ीरो है उनके लिए। मैं अभी इनको कह रहा हूँ कि ये शेम मैं करता हूँ क्योंकि वो तो खुद पढ़े लिखे आके बड़े बड़े अहदेदार बड़े बड़े सीटों पर बैठे हुए हैं, मगर यहाँ का एक बच्चा मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है कि जो अब पढ़ने के शौक में है, क्योंकि वो बेचारे जब सुबह आते हैं यहाँ पर इतना शोर, क्योंकि 5-6 क्लासेस एक रूम में लगे हैं, अब 8th का बच्चा पढ़े, 8th का या 7th का वाला पढ़े, 7th का या 6th का उनको पता ही नहीं अब हम किस क्लास में हैं।